और फिर क्या हाल चाल है आप सभी के। और गाइस सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और गाइस आज महाशिवरात्रि और मैं रेडी हो चुका हूँ मॉर्निंग का टाइम है 9 बज रहे हैं और सुमित भी आ रखा है अभी बिना नहाए धोए, इसको कोई मतलब नहीं है। ये एडमिट कार्ड आ गया इसका, तो एडमिट कार्ड लेने जा रहे हैं, तो वहीं से मैं सोच रहा हूँ मंदिर भी चले जाऊँ और पूजा वगैरह भी कर लेंगे आज। और आज फास्ट भी रहेगा मेरा पूरे दिन, और चलते हैं अभी सुमित के साथ, पहले इसका एडमिट कार्ड लेते हैं फिर वहीं से मंदिर निकलेंगे। तो रेडी हो चुका हूँ मैं पूरा कुर्ता पजामा डाल के, लेट्स गो चलते हैं। गाइस हम पहुँच चुके हैं सुमित के स्कूल, अब चलते हैं अंदर, अंदर जाके देखते हैं एडमिट कार्ड इसको मिलता है कि नहीं। हेलो मैम, एडमिट कार्ड मिल रहा है अभी? यस सर। भाई सुमित जी स्कूल का काम तो हो गया, एडमिट कार्ड ले लिया है, अब चलते हैं वापस। घर नहीं जाएंगे, पहले मंदिर जाएंगे, पूजा वगैरह करेंगे फिर घर जाएंगे। भाई फाइनली मंदिर पहुंच चुके हैं, सामान ले लिया है, दूध बेलपत्र फूल और सब कुछ ले लिया चढ़ाने के लिए भगवान पे। और सुमित बिना नहाए पहुंच चुका है मंदिर, यही लेके आए। तो भाई अब चलते हैं पूजा पाठ करते हैं फिर वापस घर निकलेंगे। और आज फास्ट है तो क्या फल फ्रूट ही खा लेंगे घर पे जाके। पूजा अच्छे से संपन्न हो गई है, अब चलते हैं वापस घर, मन पवित्र हो गया गाइस। तो गाइस बाइक लेते हैं, अब चलते हैं वापस घर। तू भी नहा लियो, पूजा वूजा कर लियो, टीका वीका लगा लिया बिन नहाई फास्ट है तो उसके लिए फल भी ले लिए, तो केले ले लिया। और सुमित चला गया वापस घर, सुमित को काम था, सुमित बोला था मैंने भी नहाया, केले और अंगूर ले लिए, चलते हैं वापस घर, घर पे आए करते हैं पेट पूजा। सो गाइस घर पहुंच चुका हूँ, अब घर में ही पूजा करनी पड़ेगी, पड़ेगी क्या घर में भी करनी चाहिए पूजा, मंदिर में तो हो गई है। और घर के लिए मैं भांग धतूरे फूल वगैरह ले आया हूँ, तो वहाँ पे पूजा करते हैं, घर पे पूजा करते हैं। और गाइस अभी इतना तगड़ा सीन हो जाता ना, मैं मतलब बाइक से आ ही रहा था तो सेक्टर 55 के पास मंदिर पड़ता है छोटा सा, वहाँ पे भांग बांट रहे थे, तो दूध की तरह लगता है देखने में, तो गिला हाथ में पकड़ा दिया। फिर मैंने बोला कि भाई क्या है, कह रहे कि ठंडा ही है। फिर मेरे दिमाग में आया कि भांग तो नहीं, फिर मैंने पूछा भाई भांग भी है क्या, उसने बोला हाँ भाई भांग है, प्रसाद है, कोई नहीं पी लो। मैंने कहा नहीं नहीं भाई, हाथ में गिलास दे दिया था, फिर हाथ से वापस करा है मैंने, तगड़ा ही सीन हो जाता है। एक बार ऐसे मेरे एक दोस्त ने पी लिया था तो बहुत भयंकर नशा हो गया था उसे। सो गाइस इन चीज़ों से सावधान रहे, सतर्क रहें।
पूजा अलग चीज है और भांग धतूरा अलग चीज है, खाना वो भी अलग है, टाइम आता है टाइम पे खाया जाता है, अभी उम्र ही क्या है। सो गाइस पूजा करते हैं घर पे पहले। सो गाइस पूजा पाठ हो गई है, अब शंख बजाते हैं। जय शिव शंभु, शंख बजाते हैं गाइस। शंख बजाना अगर किसी को नहीं आता तो हमसे सीखो। सो गाइस अभी टाइम हो रहा है 6:30 और किचन की हालत भी इतनी बेकार हो रही है, गैस वगैरह सब बेकार है, स्वास फास्ट है, तो मैं दूध लेकर आया हूँ, दूध को बॉईल करके पियेंगे, कुछ खा तो नहीं सकते, तो पहले गैस वगैरह साफ करना पड़ेगा, गैस वगैरह साफ करते हैं फिर बनाते हैं अपने लिए कुछ। और केले हैं, केले और दूध खा लूँगा। सो गाइस देख लो पूरा काम कम्प्लीट हो चुका है, बर्तन वगैरह सब धो लिए, किचन चमचमा रहा है, और अब मैं करने जा रहा हूँ फ्राई आलू को, घी में फ्राई करके ये खाएंगे और केला और दूध खाएंगे। सो यही होगा आज हमारा व्रत का खाना। सो बिना नमक के खाएंगे, कुछ लोग गाइस सिंधा नमक यूज़ करते हैं व्रत में, लेकिन जो चीज़ जुबान को नमकीन फील करा दे वो तो नमक ही होना है, नमकीन नमक, तो सिंधा नमक क्या बिंदा नमक क्या सभी की है। सो ऐसे नमक वाला नहीं खाना चाहिए, हम बिना नमक के घी में फ्राई करते हैं आलू को, जीरा वगैरह डाल के मस्त लगता है, मम्मी भी करती थी हम भी करते हैं। सो गाइस कढ़ाई में हम डालते हैं देसी देसी ना बोला कर घी, पिघल जा पिघल जा पिघल जा। सो गाइस अब जीरा और मिर्च डालते हैं, बहुत ज्यादा लग रहा था, ज्यादा है हल्के हल्के ब्राउन कर जाएंगे तो पता चल जाएगा। रेडी हो चुके हैं, इसमें हमें लास्ट स्टेप ऐड करना है कोरिएंडर, धनिया पत्ता से डाल देना है इसके ऊपर, धनिया पत्ता सिर्फ स्वाद के लिए डालना है, वैसे आप स्किप भी कर सकते हो, तो कुकिंग वाली बात होगी कुकिंग चैनल वाली। वैसे तो कितनी सारी चीज़ें हो गई खाने के लिए, आलू के अंगूर केले और दूध, तो आज तो मस्त खाना खाएंगे। सो गाइस ये लाइफ भी कोई लाइफ है, खुद अकेले बनाओ अकेले खाओ, साथ बैठ के कोई खाने वाला भी नहीं, आज तो विक्की भी नहीं आया। सो गाइस क्या ही कर सकते हैं, ऐसी है जिंदगी अपनी, चलो कोई नहीं खा लेते हैं जल्दी जल्दी। सो गाइस पेट तो बिल्कुल फुल हो चुका है, अब नहीं खाया जाएगा कुछ भी, बस पेट फुल हो चुका है। अभी टाइम हो रहा है 10:40 और अभी हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं है, सो टीवी खोल के बैठे हुए देखते क्या करते हैं। 5 दिन में सोया था तो कोई वेब सीरीज निपटाई जाए आज, भुवन बाम की वेब सीरीज थी जो कि बहुत दिन से पेंडिंग लिस्ट में है देखने में, तो वही देखते आज। सो गाइस अब 10:30 बज चुके हैं, 10:40 हो गए, अब सोते हैं, सोने से पहले मोटर चला लेते हैं, मोटर को
करते हैं ऑन, और फिर इस ब्लॉग को करता हूँ यहीं पे एंड। होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल, तक के लिए बाय। इसको कल धोऊंगा मस्त, बहुत ज़्यादा गंदी हो गई, कल धोऊंगा इसको, फिर कहीं जाएंगे घूमने। बाय गाइस।